नमस्कार, आज डिसेंबर मास 22 तारीख बुधवार। आज मुख्य खबर, प्रथम खबर, आग को पंचायत निर्वाचन तारीख घोषणा होगा बेले या पूर्व राज्य सरकार एक बड़ घोषणा करिसंती। राज्यर 3,50,000 राशन कार्डधारी को 1,000 टंकार कोविड सहायता प्रदान करिवे सरकार। तेबे एपरी भावरे सरकार मोट 3,500 कोटी टंका व्यय करिवे। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन NFSA और राज्य खाद्य सुरक्षा स्कीम SFSS अधीन योग्य हिताधिकारी माने उपकृत हो पारे। परवर्ती खबर, बिजु पक्का घर मरामति पाई हिताधिकारी को मिल 3,000 टंका, उपकृत हेबे 30,00,000 परिवार। बिजु पक्का घर निर्माण श्रमिक पक्का घर खणि अंचल पक्का घर योजन घर पाई लोक घर मरामति 3,000 टंका सहायता प्रदान करने को राज्य कैबिनेट निष्पत्ति। केन्द्र योजन घर खंडे पाइबार वंचित हो असुविधा थिबा परिवार को घर मरामति मो सरकार तरफ 5,000 टंका लेखाएं सहायता देवाक निष्पत्ति। उभय सहायता हिताधिकारी मानक बैंक खाता जमा कर 30,00,000 परिवार उपकार पाइबे। एथिपाई राज्य सरकार 1,444 कोटी टंका खर्च करिवे। बिजु पक्का घर योजन ए खर्च बहन करा जिवो। आजिर परवर्ती खबर, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर आसंता जानुरी 5 तारिखर 8 तारिख पर्यंत दिनक 2टी सिटिंग रे प्रथम सेमिस्टर आसेसमेंट SA परीक्षा अनुष्ठित हेब। सेमिस्टर आसेसमेंट 1,571,935 जन मैट्रिक परीक्षार्थी और 3,731 जन मध्यम परीक्षार्थी फर्म पूरण करिसंती। एही परीक्षा राज्यर 3,093 परीक्षा केन्द्र रे अनुष्ठित हेब और प्रश्नपत्र साहित्य रखिबा पई राज्य रे 311टी नोडल सेंटर चयन करा जायछि। बोर्ड पक्षर आसंता प्रथम सेमिस्टर आसेसमेंट SA परीक्षा संक्रांत समस्त सूचना बोर्ड वेबसाइट www.bsodisha.ac.in रे उपलब्ध। परवर्ती खबर, गतकाली लोकसभा परे आज राज्यसभा रे पास होई निर्वाचन बिल। निर्वाचन संशोधन बिल 2021 राज्यसभा रे पास होई। वोटर परिचय पत्र सह आधार लिंक नहीं बिल रे व्यवस्था रहिबो। नकली वोटर को बाद देवा पई वोटर कार्ड आधार लिंक हेब। विरोधी दल वोटर विभाजन दाबी करथिबारो सेमाने एक चयन कमिटी निकट को बिल पठाइबा को एक प्रस्ताव पठाइथिले जहाँ वॉइस वोट द्वारा प्रत्याख्यान करा जायथिला। परवर्ती खबर, आज ओडिशा रे 2 ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र। से कहते उभयों स्वास्थ्यावस्था स्थिर रही। विदेश आसवापर आइसोलेसन उभयों कंटाक्ट ट्रेसींग्रु जमापड़े जे 11 जन संस्पर्श आसवा बेले अन्य जन 10 जन संस्पर्श से आसी उभयों पर नजर रखाई। एथन भयभत नाक जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्र ओडावासी को परामर्श दे। परवर्ती खबर, एणिकी स्कूल मानक याब जाति प्रमाणपत्र आसंता 29 तारीख पर यह प्रक्रिया आरंभ होगा जाऊँगी। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एने विधानसभा अधिवेशन घोषणा कर आग को समस्त सरकारी और बेसरकारी स्कूल गुड़िक जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करा जिबो। तेबे यही सुविधा केवल अष्टम और नवम श्रेणी नुहे, समस्त श्रेणी पिलामाने एथिरे उपकृत हो पारे बोली मुख्यमंत्री कहते। परवर्ती खबर, भारतीय वायुसेना AIF रूस निर्मित S-400 क्षेपणास्त्र प्रथम स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर रे नियोजित हेबो बोली सूचना मिली। या देशर वायु प्रतिरक्षा क्षमता को वृद्धि करिबो। प्रथम स्क्वाड्रन बैटरी उभय पाकिस्तान एवं चीन रो वायु विपद को संभालिबरे सक्षम हेबो बोली सेना पक्षर सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर, आगामी 2-3 दिन धरी आभ्यंतरणीय पश्चिम ओडिशार किसी जिले प्रबल थंडा अनुभूत हो पारे। आउ याकु नै स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर आज समस्त जिलार जिलापाल मानंकु चिठी लिखिछन्ते। SRC कार्यालय जारी निर्देशनामा मुताबक पानीपाक विभाग सूचना मुताबक आसंता 2-3 दिन मध्यरे राज्यर किसी जिले प्रबल थंडा अनुभूत हेबो।
ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗୁଳ, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଞ୍ଜାମ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଖବର। ଆଗକୁ ଏମିତି ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।